जी ठहरिए जरा, खबरें आपने बहुत सारी देखी होंगी लेकिन ये खबर बाकी खबरों से अलग है। अब कहा बताए भाई साहब, सूबा पड़ता है उत्तर प्रदेश, जिला पड़ता है बाराबंकी, तहसील पड़ती है रामनगर और सुनसान सड़कों पर भाई साहब जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी साहब का काफिला गुजरा बकायदा सीएससी केंद्र तक पहुंचा तो भाई साहब हड़कंप मच गया, बकायदा सनसनी फैल गई और कहा बताए बकायदा डॉक्टर साहब का कलेजा फूल उठा के देखो भैया देखो निरीक्षण करने कौन से साहब आए। वैसे भाई साहब सीएमओ साहब का नाम राम जी है और बकायदा भाई साहब जिले में नए नया है, पहला दौरा था, ऐसे में साहब का बोले सुन के चला दवाइयों का वितरण का तरीका बहुत अच्छा है, सारे रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन मिले हैं, सफाई भी लगभग ठीक है, कुछ और सुधार करने की इसमें गुंजाइश है, उसके लिए अधीक्षक को निर्देश दे दिए गए हैं। और दूसरा उसमें मुख्य हमारा जो है ये कंसर्न ये था कि क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ की तैयारियों का भी जायजा लेना था, अधीक्षक द्वारा जैसे बताया गया 4 बाढ़ चौकियाँ हैं और एक एम्बुलेंस से वहाँ के लिए लगाई गई है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम सर्प दस से काटने की तो दवा उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ARV की दवाई, कुत्ता काटने की भी दवाई हम यहाँ आवश्यकता अनुसार उपलब्ध है। तो बकायदा भाई साहब रामनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे सीएमओ साहब पहुंचे बकायदा निरीक्षण करने के लिए तो भाई साहब सब कुछ ठीक है ठाक मिला, पर फिलहाल कुछ भी कहिए भाई साहब हमारा तो कलेजा फूल उठा था पर भाई साहब आदर्श रावत रिपोर्ट भेजे थे तो सब कुछ ठीक है रहा। अब जहाँ भाई साहब आदर्श रावत की एक और खबर सुन ले जाओ, कहा बताएं जयपुर के विधायक भाई साहब गौरव रावत बकायदा बाराबंकी जबकि के मसौली क्षेत्र पहुंचे थे, बकायदा भाई साहब पदाधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही थी और सुनिए कहा बोले हैं। सेक्टर और बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, सहयोगी समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, उनके साथ हमारी बैठक थी आगामी 2022 के चुनाव के संबंध में जो हमारी शुरुआत है उसकी।